हेलो फ्रेंड्स, शाहरुख के किचन में एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हलवाई जैसे टेस्टी छोले, जिन्हें आप घर पर भी बना करके भटूरों के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनका कलर तो आप देख ही सकते हैं, ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं, साथ ही खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल काबली चने ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। अब इनको हम किसी भी एक बर्तन में पानी में भिगो करके रख देंगे। तो इसमें हमको इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से उसमें डूब जाएं सारे, बल्कि पानी हमको थोड़ा सा ऊपर तक ही रखना है, जिससे कि जब ये पानी पी करके फूल जाएं, ये सूखे ना रहें इनमें, तब भी आराम से पानी रहे और ये अच्छे से उसमें फूल सकें। अब हम इनको ढक करके रख देंगे और इनको आपको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए ढक करके रख लेना है। अगर आप चाहें तो जैसे रात को इनको ढक करके रख दीजिए और सुबह फिर आप इनको बना लीजिए। तो देखिए, अब हमने इस पे से प्लेट को हटा दिया, ये काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं पानी पी करके कितने ज़्यादा फूल चुके हैं। हम इनको इसमें अच्छे से धो लेंगे और इनका पानी अलग निकाल देंगे। अब हम एक कुकर में इसमें से सारे छोले डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा खाना सोडा यूज़ करेंगे, 2 चुटकी के बराबर या फिर छोटी वाली 1/2 चम्मच। इससे क्या होता है कि ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं, यानी कि अच्छे से पक जाते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक को ऐड किया है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा करके 7 से 8 विजल ले लूँगी। आप उनको दोबारा से चेक कर सकते हैं, अगर वो नहीं हो तो आप उसे दोबारा से रख दीजिएगा। आइए दूसरी तरफ हम इसकी तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो मैंने यहाँ पर 3 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, साथ ही 2 बड़े वाले टमाटर और 4 हरी मिर्च लिए हैं। आप चाहो तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी घटा या बढ़ा भी सकते हो, बाकी मैं इनको बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लूँगी, क्योंकि हमको इनकी बस ग्रेवी बनानी है तो छोटे स्लाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब मैंने इनको बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम मिक्सी जार में डाल करके इनको ग्राइंड कर लेंगे। आप इनको नॉर्मली कभी भी बना करके खा सकते हो, जब भी आपका मन करा आप इन्हें बच्चों को लंच में बना करके दीजिए, उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, अब हमारी ग्रेवी बन करके इनकी तैयार है। इसका एकदम गाढ़ा सा पेस्ट मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसे टिफिन में अलग से निकाल दूंगी। आइए अब दूसरी तरफ हम एक बाउल में सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ और इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, साथ में इसमें मैं 1 चम्मच खटाई का यूज़ कर रही हूँ। फिर दूसरी तरफ हमारे छोले उबल करके तैयार हो चुके हैं। हम इनको इस तरह से हाथ से तवा करके फोड़ के देख लेंगे। अगर ये अच्छे से फूट रहे हैं तो इसका मतलब छोले हो चुके हैं, और अगर इनमें थोड़ी भी अभी कमी हो तो आप इनको दोबारा से रख सकते हैं गैस पर पकने के लिए। तो हमने यहाँ पर दूसरी तरफ कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म है, तो मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर 2 इंच अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से आपस में भून लेंगे और इसमें हम 4 लौंग डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब देखिए, ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमने जो टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह का पेस्ट तैयार किया था, उसे अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें रेगुलर जब तक भूनना है, तब तक कि इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल ना आने लगे, क्योंकि जब तक इसमें ऑयल नहीं आएगा तब तक खाने में मज़ा नहीं आएगा, ना ही सब्ज़ी का कलर आएगा। तो अब आप देख सकते हैं इनका पेस्ट काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है, साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी कर रही हूँ और इसे इसी में मिक्स कर दूँगी। अब हम इसी को आराम से इसी तरह से चला लेंगे। अब देखिए, ये बैटर बनके तैयार है। अब हमने जितने भी अपने छोले अलग से उबाल करके रखे थे, उन सबको अब हम इसमें ऐड कर देंगे और आपस में मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अब हम इसमें छोले मसाले का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच छोला मसाला डाला है। इससे इनका खाने का टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साथ ही भटूरे के साथ तो ये अलग ही मज़ा देते हैं। आप चाहो तो इनको भल्ले के साथ भी ट्राई कर सकते हो, उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब देखिए, हमने इन्हें मिक्स कर लिया है। अब जो हमने एक बाउल में अलग से मसाले बना करके तैयार किए थे, उनको हम इसी में ऐड कर देंगे। तो इनको सबको आपस में मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक करके रख देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इस पर से ढक्कन को हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहो तो इनको थोड़ा सा और पतला या फिर और गाढ़े भी बना सकते हो, बाकी रोटियों के साथ ये थोड़े पतले ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा पतला ही बनाया है। अब हम इन्हें धनिया के साथ गार्निश कर देंगे और अब हमारी डिश बन करके तैयार है। अब हम इसे बाउल में ले लेंगे और
आराम से अपनी रेसिपी को मजे से खा सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और नई नई रेसिपीज़ की वीडियो बनाती रहूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।